लोकेशन जा रहा है, है ना, रेडी है। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। हमारे साथ लिफ्ट की लीडर मौजूद है, क्या कहना चाहिए। आप समस्तीपुर के सत्याग्रह में आई हुई हैं, सरकार एक तरफ कह रही है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे और आप लगातार सड़क पे विरोध जता रहे हैं। आप देखिए, सरकार को पीछे हटने का इसमें मामला नहीं है ना है, मामला तो ये है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, हम देश के लोग हैं, हम नहीं झुकने वाले सरकार के सामने। सरकार हमसे कैसे NPR लागू करवा देगी, कैसे NRC लागू करवा देगी, जब कागज़ हम नहीं दिखाएंगे, हम शामिल ही नहीं होंगे NPR में, तो कैसे क्या कर लेगी। सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है, शाहीनबाग में, कलकत्ता में, यहाँ समस्तीपुर में, देश में कई जगह चल रहा है और सब लोग आंदोलन में हैं इस समय। साफ साफ हम लोग का कहना है कि देखिए, देश की जनता सरकार को चुनती है, सरकार NPR NRC CA का इस्तेमाल करके देश की जनता कौन होगी कौन नहीं होगी ये चुनने का अधिकार नहीं मिला है लोकतंत्र में, किसी भी देश के लोकतंत्र में किसी भी सरकार को नहीं होता। तो ये हम अधिकार नहीं देंगे कि सरकार हमारे नाम के सामने संदिग्ध नागरिक लिखे, एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर पैसे आपके पास हैं, लाखों करोड़ों रुपया आप NPR NRC में खर्च करने को, फिजूल में खर्च करने को तैयार हैं, तो भाई उसको वहाँ मत खर्च करिए। आप खर्च करिए तो यूनिवर्सिटी बनाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, हर जिले में अस्पताल बनाइए बढ़िया वाला, हर जिले में बढ़िया केंद्रीय विद्यालय का स्कूल लगाइए हर मोहल्ले में, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि NRC की कोई बात ही नहीं है, फिर आप लोग सड़क पे। दो महीना पहले जो है ये कह रहे थे अमित शाह कि NRC की अकेले की बात क्यों कर रहे हैं, अकेले NRC नहीं आएगा, CAB भी आएगा, दोनों का एक साथ बात करिए। अभी कह रहे हैं कि कहाँ NRC है, अकेले CA है, कोई NRC नहीं है। NPR जो लागू होना शुरू हो चुका है, जो बिहार की सरकार भी कह रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो करेंगे, तो ये क्या है, NPR NRC ही है, जिसके तहत लोकल सरकारी बाबू जो है वो आपके मेरे नाम के सामने संदिग्ध नागरिक लिख दे सकता है। आपके पास डॉक्यूमेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको आपका चेहरा पसंद नहीं है, आपका धर्म पसंद नहीं है, आपका जाति पसंद नहीं है, आपका समुदाय पसंद नहीं है, उसका आपसे कोई निजी झगड़ा है, या उसने आपसे घूस मांगा है और आपने घूस नहीं दिया, तो वो आपको संदिग्ध नागरिक बना दे सकता है। आज नहीं बनाया तो कल बना सकता है, इस साल नहीं बनाया तो 2 साल बाद बना सकता है। ये पावर हम कैसे दे सकते हैं सरकार को कि वो हमारे वोट को, हमारे पास वोटर कार्ड है, आपने दिया है, हमने सरकार चुना है, आज आप कह रहे हैं कि जो वोटर है वो देश के नागरिक नहीं है, तो भाई सबसे पहले तो सरकार ही इसका मतलब गिर जाए। अगर सरकार को देश के नागरिकों ने नहीं चुना है तो ये सरकार क्यों बैठी हुई है, क्यों निर्णय ले रही है, हट जाए सरकार पहले। एक तरफ उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सबसे पहले NRC UP में लागू होगा, क्या कहना चाहिए। भाई यूपी में उन्होंने वहां पर आतंक का राज किया है, ये आतंकवादी है, योगी आदित्यनाथ आतंकवादी है, योगी आदित्यनाथ के जो पुलिस है उसको उसने आतंकवादी में शामिल किया है, घरों के अंदर घुस घुस करके घर में हर चीज को तोड़ तोड़ करके उन्होंने रख दिया है वहां पे, और वो मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुमको पाकिस्तान भगा करके ये सारा घर तो हम लोगों का हो जाने वाला है। ये कौन सी भाषा है, ये कौन से संविधान की भाषा है, ये आतंकवादियों की भाषा है बहुत साफ। दूसरा ये कि दविंदर सिंह जो पकड़े गए हैं जम्मू कश्मीर में, ये क्या है, इसको किसने पाला पोसा, इनका अजीत डोवाल के साथ में, मोदी सरकार के साथ में क्या रिश्ते, हम जानना चाहते हैं उनके फोन पर बातचीत किस किस से होती है, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ पकड़े गए हैं कश्मीर से, जो कश्मीर आज पूरी तरह से मोदी के कब्जे में है, उस कश्मीर से वो आतंकवादियों को बाहर निकालते हुए पकड़े गए और दिल्ली लाते हुए पकड़े गए, दिल्ली में आतंकवादी हमला करवाने के लिए। ये कौन दविंदर सिंह है, ये वही थे जो पुलवामा में भी थे, जिस समय पुलवामा में हमला हुआ तो इन पर अफजल गुरु ने भी आरोप लगाया था कि इन्हीं के कहने पर मैंने जो किया सो किया, तो ये सारी चीजें उनका क्या, इनकी क्या भूमिका है, ये जानने का अधिकार है हम सबको। बातचीत के लिए धन्यवाद, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।